बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम एक बार फिर आपको एम क्यू कुकिंग में। तो आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है चना दाल गोश्त की रेसिपी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही डिफरेंट बनती है। तो हर कोई बच्चा छोटा बड़ा सब इसे शौक से खाते हैं। तो इसके हम लोग अब देख लेते हैं इन्ग्रीडियंट्स। तो चना दाल गोश्त बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, सबसे पहले जो है हमें इसके लिए चाहिए होगा गोश्त। गोश्त जो है मैंने लिया है बीफ का, और छोटे पीस मैंने इसके कर लिए हैं। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल, जो हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है। इसको मैंने एक प्याली ली थी, साथ इसमें जाएगी दरमियानी प्याज, इसको आप लोग चॉप कर लीजिएगा बारीक। उसके साथ इसमें जाएंगे टमाटर 2 अदद, इसको भी आप लोगों ने पीसेस कर लेने हैं। साथ इसमें जाएगी हरी मिर्चें बड़ी 1 अदद, और साथ इसमें जाएंगी कटी हुई अदरक, जो कि जायका इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है इसको डालने से। और इसमें जाएगा कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, और साथ ही इसमें जाएगा मेन यानी कि पुदीना। सबसे पहले जो है हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे चने की दाल। उसके साथ ही हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकने देंगे। अच्छा जी, यहाँ जो है दाल को बॉयल आ गया है, तो उसके बाद जो है हम इसको ढक देंगे ताकि चने की दाल हमारी गल जाए अच्छी तरह। दूसरी तरफ जो है हमने एक और पैन लेना है, इसमें हमने ऐड कर देना ऑयल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें 4 लौंग है, 5 अदद जो है साबुत काली मिर्चें हैं, और साथ ही इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम प्याज को, और थोड़ी देर जो है फिर इसको हम फ्राई करेंगे, और इसको हमने लाइट ब्राउन फ्राई करना है, ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। प्याज जो है हमारी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। उसके साथ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है अब इसमें हम स्पाइस डालेंगे। सबसे पहले हमने डालना है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे नमक हसबे ज़रूरत। उसके बाद जो है इसको हमने थोड़ी देर पकाना है अच्छी तरह से। अब जो है हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1.5 गिलास, और उसके बाद जो है हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है दाल भी जो है हमारी तकरीबन गल गई है, आप लोग देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी ये गली है। तो उसके बाद जो है हमने जो है इसको थोड़ा सा और घोट लेना है, अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। और दूसरी तरफ जो है हमारा गोश्त इतनी देर में गल गया था, तो इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से अब हमने इसकी भुनाई करनी है। टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं और तेल भी अलग हो गया है, तो अब हम इसमें अपनी दाल ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे आप लोगों ने अपनी मर्जी से पानी ऐड करना है, जितना भी आप लोग गाढ़ा खाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड करा था, ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए आपस में, और बहुत अच्छा सा इसका सालन का टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिया था। उसके बाद जो है एक दूसरे पैन में हमने ऑयल ऐड करना है 5 टेबल स्पून।
और इसमें जो है छोटी सी कटी हुई प्याज हम ऐड करेंगे भगार के लिए। और यहाँ पर जो है हमने देना है इसको ज़बरदस्त सा भगार, जिससे जो है हमारे चने दाल गोश जो है मज़ीद जो है लजीज हो जाता है। अब यहाँ पे भगार देने के बाद सबसे लास्ट में हमने ऐड कर देनी है हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना और हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने ऐड कर देना है। उसके बाद जो है इसमें हम ऐड करेंगे भुना कुटा, हम लोगों ने इसमें ऐड करना है ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने इसमें ऐड करना है पिसा हुआ गरम मसाला। तो फाइनली अब हमारा चना दाल गोश बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, चने दाल गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। साथ ही इसको आप लोगों ने बॉयल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, दोनों से ही बहुत ज़बरदस्त लगता है। और उसके साथ ही आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल एम क्यू ब्लॉग्स को भी देना है बहुत ज़्यादा प्यार, उसको भी जाके आप लोग कर लें सब्सक्राइब और करें शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मुझे दें अब इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। चैनल का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और यहाँ साइड पर भी आ जाएगा। तो मुझे दें अब इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।